बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज उर्दू की वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं आपके सामने। वाइट बोर्ड पे एप्लीकेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, आगे उनवान है दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम। तो हम यहाँ पे इसी की मश करेंगे। तो आपने भी अपने पास अगर आप दस्तावेज़ जरूर रखना है, ताकि जैसे जैसे हम आपको यहाँ पर लिखना सिखाएंगे आप इसकी ऐसे मश करते जाइएगा। तो इस सिलसिले में आपने क्या करना है, एक कट मार्को अपने पास रखिएगा और रब दस्ता आपके पास होना चाहिए और साथ साथ आप उसकी मश करें। यहाँ पे लिखा हुआ बाखिदमत जनाब, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपने भी इसकी ऐसी मश करनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाखिदमत, ऐसे इसको यहाँ पे रोकना है कलम को, और फिर यहाँ पे फिर कलम को रोकना है और फिर आपने इसको मुकम्मल करना है। मीम का सिरा जैसे बना हुआ है, इसका मीम का सिरा और यहाँ बारीक था, तो आपने भी इसको ऐसे बारीक करना है। फिर पूरा ते लिखा हुआ है, तो आपने भी इसको ऐसे मुकम्मल कर देना है। बाखिदमत जनाब का जीम देखें कैसे बन लिखा हुआ है, आपने भी इसको ऐसे यहाँ पे लिखना है। इसके बाद ये स्टैम मुकम्मल करना है और इसके बाद ये मोटाई में है, तो आपने ये स्टैम मुकम्मल। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे ऐसे आपने पे और ए पर लिखना है और नून सीन के तीन दंदाने लाम को मुकम्मल करना है ऐसे। जहाँ से बारीक है आपने वहीं बारीक रखना है और जहाँ से मोटाई में है मोटाई में करना है। ये इन सारी चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट, तो गाफ कुछ इस तरह लिखी हुई है ऐसे, इसको उन्होंने वाव के साथ मिलाया और इसके बाद रे नून मीम और इसके बाद फिर नून और टे गवर्नमेंट, इस तरह आपने इनको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था हाई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाई और आगे लिखा हुआ था स्कूल, तो मैं लिखूंगा स्कूल। आपने भी इसी की ऐसे ही मश करनी है ताकि उर्दू की हैंड राइटिंग में निखार आता जाए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है उनवान, तो आप उनवान इसके नीचे लिख सकते हैं। आप इसके नीचे लिखते हैं उनवान आइन को बनाना है, फिर ये बारीक है, ये स्टेप बारीक है, तो आपने इसको बारीक करना है और फिर इसके बाद वाव के साथ मिलाना है, आइन को मुकम्मल करना है। अलिफ लाइन से ऊपर है तो आपने ऊपर रखना है, नून आधा लाइन से ऊपर आधा नीचे, इसके बाद ऐसे आपने साइन को बनाना है और इसके बाद दरख्वास्त है, ये दाल रे और खे वाव के साथ मिलेगी और इसके बाद अलिफ सीन के तीन दंदाने और इसके बाद ते बे रे अलिफ हमजा बढ़िए और ऊपर आपने हमजा लगाना है। इसके बाद है जरूरी, इसके बाद छोटी ये आधी लाइन से ऊपर आधी लाइन से नीचे काम। इसके बाद इसी को आप दोबारा लिखिए, आपने इस स्टेप को इस लाइन को देखना है ना कि इस लाइन को देखना है, आपने हूबहू इसकी कॉपी करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से आप लिखिए। जितना ज़रा आराम से लिखेंगे आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग उतनी ज़्यादा खूबसूरत होती जाएगी। बहुत ही तवज्जो के साथ आपने लिखना है, जितनी ज़्यादा तवज्जो आप करते जाएंगे उर्दू की हैंड राइटिंग में निखार आता जाएगा। आपने कट मार्कर को कैसे पकड़ना है, उसमें पिछली कई वीडियोस में हम इसका पकड़ने का तरीका आपको सिखा चुके हैं कि उर्दू में अगर आपने लिखना है तो कट मार्कर को आप कैसे पकड़ेंगे या उसका जो लिखने का जो सिक्का होता है वो आप कैसे रखेंगे। तो आपने वीडियोस को देखना है और कट मार्कर को आपने सही तरीके पकड़ के उर्दू को लिखना है, ताकि इंतहाई कम वक्त में आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग खूबसूरत होती चली जाए। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।